नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, आज स्विंग मास्टर सीरीज के अंदर हर वीक की तरह ऐसे दो स्टॉक डिस्कस करेंगे जो विद इन 2 और 3 वीक आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। 12 से लेके 15% का रिटर्न देने का इस स्टॉक के अंदर कैपेसिटी होता है। दोस्तों, प्रीवियस वीक हमने दो स्टॉक डिस्कस किए थे। पहला स्टॉक था एजिस लॉजिस्टिक, जिसके अंदर 20% का रिटर्न विद इन 1 वीक देखने को मिला है। बहुत ही गजब का मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर पिकअप हुआ है। दूसरा स्टॉक था जुबिलेंट इंग्रेविया, जिसने भी 6% का रिटर्न दिखाया था और अभी बहुत ही बढ़िया चार्ट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है। थोड़ा सा ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर रहा है। अगर नीचे के लेवल पर ब्रेकआउट को रिटेस्ट करता है तो वहां पे और भी क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्टॉक जो है बहुत ही बढ़िया मोमेंटम बनाए हुए। आज मैं स्पेशली आपको दो ऐसे स्टॉक बताऊंगा जिसके अंदर गजब का मोमेंटम पिकअप हुआ है और अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट आना स्टार्ट हुआ है। तो एंड तक इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों, प्रीवियस वीक हमने जो स्टॉक डिस्कस किए थे, इसके अंदर पहला स्टॉक था एजिस लॉजिस्टिक, जिसके अंदर यहाँ पे लगभग 462 के आसपास वहां पे हमने डिस्कस किया था और स्टॉक ने ऑलमोस्ट जो है हाई जो है लगभग 555 के आसपास लगाया है। दोस्तों, प्रीवियस वीक हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था एजिस लॉजिस्टिक, जिसके अंदर यहाँ पे 462 के आसपास एक एंट्री बनाया था और यहाँ पे देखिए स्टॉक ने इसी हफ्ते लगभग 20% का जो है रिटर्न दिखाया है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम पिकअप हुआ था, टारगेट अचीव हुआ है। दोस्तों, दूसरा स्टॉक था जुबिलेंट इंग्रेविया, जिसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला था और यहाँ से स्टॉक ने जो है लगभग 5 से 6% का मोमेंटम हमें दिखाया था ऊपर की ओर, राइट। 6% तक मोमेंटम दिखाया, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्टिंग कर रहा है। तो आप देखिए ये जो चार्ट है बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है। तो अगर यहाँ पे इस लेवल पे रिटेस्ट करता है 525 से लेके 520 के बीच, तो वहां पे आप और भी क्वांटिटी बेफिक्र ऐड कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया चार्ट का स्ट्रक्चर है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, अभी स्विंग मास्टर सीरीज के दो स्टॉक जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला स्टॉक है जस्ट डायल लिमिटेड। ये स्टॉक आप देखिए बहुत ही बढ़िया मोमेंटम पिकअप किया है। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक जो ये ट्रेंड लाइन हो, ट्रेंड लाइन को एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। उसके साथ साथ नीचे के लेवल में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया प्यारा सा जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म हुआ है और उसको भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो दोस्तों, डेफिनेटली ये स्टॉक जो है एक अच्छा यहाँ से मोमेंटम पिक कर सकता है। आप देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस लेवल के अंदर एक हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर बनता हुआ नजर आया है, राइट। यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ से जो है आप देखिए एक हेड बीच में क्रिएट है, उसके बाद यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट हुआ है, राइट। और एक अच्छा ब्रेकआउट जो है अभी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये स्टॉक जो है वीकली चार्ट है, इसका अगर डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट के अंदर भी देखिए अभी ये पैटर्न को डिलीट कर देता हूँ, राइट। तो अभी देखिए एक अच्छा लंबा कंसोलिडेशन के बाद आप देखिए ये जो है लगभग 940 की रेंज के आसपास, यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका एक रेजिस्टेंस जो था 955 के आसपास, राइट, कई टाइम से उसको रेजिस्ट कर रहा था। अगर आप देखेंगे तो लगभग 2021 से, तो पिछले 3 साल से ये जो है एक रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया था और अभी इसी हफ्ते जो है आज इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है विथ हाई वॉल्यूम, राइट। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बॉटम के अंदर फॉर्म हुआ है। रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिवनेस दिखा रहा है और वॉल्यूम जो है गजब के वॉल्यूम फॉर्म हुआ है। 11 मिलियन वॉल्यूम इस स्टॉक के अंदर पिछले 3 साल के अंदर कभी भी देखने को नहीं मिले। आप देखिए यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम दे 2022 के अंदर 2 साल के बाद फिर से हैवीएस्ट वॉल्यूम देखने को मिला है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक जो एक अच्छा पिकअप कर सकता है। दोस्तों, इसके अंदर अगर चार्ट के अकॉर्डिंग लेवल्स देखने की कोशिश करते हैं तो अभी देखिए इस स्टॉक के अंदर एंट्री यहाँ पे ब्रेकआउट के आसपास 1000 के आसपास बन सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं। स्टॉप लॉस की अगर बात करते हैं तो इस स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस जो है हम यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट दिया है वो ब्रेकआउट लेवल के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। 950 के आसपास एक स्टॉप लॉस आप प्लान कीजिए और टारगेट जो है, टारगेट यहाँ से स्टॉक के अंदर आपको डेफिनेटली लगभग जो है 13 से 14% का टारगेट इजीली देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टॉक अगर आप देखेंगे तो लगभग स्टॉक के अंदर देखिए यहाँ से जो है अगर स्टॉक मोमेंटम पिकअप करता है तो सबसे पहला टारगेट जो है स्टॉक के अंदर लगभग 1140 के आसपास, राइट,
1140 के आसपास पहला टारगेट देखने को मिल सकता है, जो 13 से 14% का जो है रिटर्न सजेस्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया जो है चार्ट स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर बना के। दोस्तों इस लिस्ट के अंदर दूसरा स्टॉक जो है वो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी देखिए ये स्टॉक का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, तो यहाँ पे स्टॉक ने एक ऑलमोस्ट अच्छा बॉटम क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है, और देन आफ्टर यहाँ पे एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट कर रहा है। तो एक आप देखिए यहाँ पे कप विद हैंडल टाइप पैटर्न भी एक फॉर्म कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो अगर पैटर्न जो है हम यहाँ पे ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं, राइट, तो यहाँ पे एक अच्छा कप बनाया है। उसके बाद जो है स्टॉक के अंदर एक यहाँ पे जो है वन टाइप ऑफ हैंडल देखने को मिला है, और कप विद हैंडल टाइप पैटर्न को एक अच्छा ब्रेकआउट के आसपास आया है। इसका एक रेजिस्टेंस 200 के आसपास था, जिसको स्टॉक ने ब्रेक किया है और उसके ऊपर सस्टेन हुआ है। दोस्तों अगर इसका डेली चार्ट भी देखते हैं, तो डेली चार्ट के अंदर भी अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ है। स्टॉक के अंदर 200 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। वॉल्यूम अगर देखने की कोशिश करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव है। वॉल्यूम अगर देखने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे पिछले एक वीक से हैवीएस्ट वॉल्यूम फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे ग्रीन फ्लोरोसेंट बार है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक के अंदर एक अच्छे इंटेंसिटी के साथ डेफिनेटली दोस्तों बाइंग चल रहा है, राइट। तो ये एक अच्छा मोमेंटम पिकर है। अभी देखिए स्टॉक के अंदर अगर लेवल निकालने की बात करते हैं, चार्ट के अकॉर्डिंग लेवल देखने की बात करते हैं, तो सबसे पहले एंट्री 205 के आसपास, करंट मार्केट प्राइस के आसपास एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे 190 के आसपास एक स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। और अगर टारगेट की बात करते हैं, तो यहाँ से स्टॉक भी डेफिनेटली 13 से लेके 15% का टारगेट इजीली दिखा सकता है। तो 235 का पहला टारगेट स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर बना के रख सकते हैं। दोस्तों ये दोनों स्टॉक जो है आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर बना के रखिए, बहुत ही बेहतरीन चार्ट का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, वॉल्यूम भी अच्छे डेवलप हो रहे हैं। दोस्तों किसी भी स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं, खुद का एनालिसिस भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस, हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।